from Grignard region. Thank you.
symptoms. Rx, Rp, यहाँ पर कार्बन की संख्या n होगी, तो यहाँ पर कार्बन 2n होगा, ये सिमेट्रिकल एल्केन होगा। यहाँ पर CH3Cl, यहाँ पर 2NA, यहाँ पर ClCH3। अच्छा ध्यान दो, इधर क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर अगर ऐसे कहा गया है कंप्लीट रिएक्शन, यहाँ पर NA ब्राई इथर ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन देख के पहचानेंगे कि कौन रिएक्शन है। ऐसा थोड़े क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा ना, ऐसे लिखा रहेगा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ जाएगा, दो C2H5 जोड़ देंगे। इसको क्या करना है, ए मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एल्केन इज टेकन, then three products okay is obtained. यहाँ पर भैया CH3Cl2NA, यहाँ पर C2H5Cl, तो दूसरा वाला आपका नहीं क्या लाइफ वाला था, यहाँ पर ध्यान रखना। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि दो CH3 आपस में जुड़ जाए, एक सी एच थ्री दो सी एच थ्री आपस में जुड़ जाए, दो C2H5 आपस में जुड़ जाए, या C2H5 CH3 से जुड़ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन नहीं बनेगा जी सर, ठीक है, तो जैसे ये है, अब ऐसा पूछ सकते हैं मान लो यहाँ पर दो कार्बन का बना, तीन का बना, दो का बना, चार का बना और तीन का बना, मान लो पांच वाला नहीं बना, एक का बना, ठीक है, तो इस टाइप से पूछ सकते हैं। ऊपर उठाते क्या टर्शियरी आरएक्स, टर्शियरी आरएक्स एलिमिनेशन, क्यों एलिमिनेट कर जा रहा है, आई मी डज नॉट रिप्रेजेंट, क्यों एलिमिनेट कर जाएगा, आपको ध्यान दो एलिमिनेशन रिएक्शन पर आए थे तो वहां पर बताए थे एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ज्यादा बेसिक एसिड चाहिए, और सोडियम की बेसिक मेटल है ना, और पहले एक ग्रुप में बेसिक एसिड क्या है काफी ज्यादा है, तो इसलिए एलिमिनेट कर जाएगा। ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा बीटा, तो क्या बन जाएगा CH2CC, एक CH3 ऊपर और एक CH3 इधर कर देते हैं,
टर्शियरी आयनिक्स अंदर को एलिमिनेशन इन डन है ला रहे हैं नेक्स्ट इसलिए टर्शियरी आयनिक्स अंदर को एलिमिनेशन आई ई देयर नॉट रिप्रेजेंट टू स्टेट्स अगर आपसे अगर टू स्टेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो आप नेगेटिव टर्शियरी आयनिक्स ठीक है जी सर मेथेन इज नॉट ऑक्टेन सी एच फोर इज नॉट एंड आई पुट इट हियर सर इन दिस रिएक्शन मेथेन इज नॉट ऑक्टेन इन दिस रिएक्शन मेथेन इज नॉट ऑक्टेन इन दिस रिएक्शन ठीक है तो टर्शियरी आयनिक अच्छा एक और चीज आप क्लियर करते हो पहले शुरू हो जाए हमसे यहाँ पर हमने लिखा है टर्शियरी आयनिक सॉरी डेड नॉट रिप्रेजेंट टू रिएक्शन आपसे पूछा जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डेड नॉट रिप्रेजेंट टू रिएक्शन प्राइमरी आयनिक सेकेंडरी आयनिक टर्शियरी आप टर्शियरी टर्शियरी टू रिएक्शन नहीं लेकिन कई बार आप जैसे अगर आपसे कह रहा है कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे लिखा है कहा जा रहा है कंप्लीट द रिएक्शन और ये ऑप्शन में सही नहीं है वही बात तब जैसा उस रिएक्शन बनाते हो वैसा बनाते हमारे कहने में सुन रहे हो जैसे ये ऑप्शन में अगर है तब तो यही लिखेंगे अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो जैसा उस रिएक्शन मतलब एक सीएल को हटाकर एक दो बार मंदी जोड़ देंगे ठीक भैया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं पर है ऐसा देखने को मिलेगा तो ये चीज आप लोग जानते रहो चले आगे और यहाँ पर मेथेन नहीं मिलेगा मेथेन नहीं इस रिएक्शन में मिलेगा यहाँ पर ध्यान देना बेटा यहाँ पर टू ड्राइविंग वन इज टू टू फाइव तो 1:2 का रेशियो है अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग सॉरी क्या रेशियो छोड़िए वैसे करो है ना तो यहां पर क्या करेंगे ये बनाएंगे और ध्यान रखना क्यों बना रहे हैं तो रेट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आर आई आर बी आर आगे बढ़ाएंगे आर सी एल यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ए तो इस पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करेंगे इधर देखो यहाँ पर जाने पर बाउंड एनर्जी बढ़ रही है रेट की घट रही है क्यों चुकी से बच्चे बढ़ेगी यहाँ पर सब कुछ वही है यहाँ पर भी आर एक्स यहाँ पर जिंक ले रहे हैं ये आर एक्स इधर ना बेटा जिंक वही काम कर रहे हैं ठीक है सब कुछ वही कार्बन एन कार्बन यहाँ पर भी क्या होगा 2N यहाँ पर भी अगर आपने दो डिफरेंट ले लिया तीन प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी तीन प्रोडक्ट मिलेंगे एल्केन क्या होगा सिमेट्रिकल होगा मेथेन इज नॉट ऑक्टेन
एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि मैटर उतना सारी जो जिंक है उसकी बेस स्टेशन उतना ज्यादा कम नहीं है, ट्रांजिशन मेटल है। ध्यान दो यहाँ पर एस बार पी बार ट्रिपल का सर एस बार ट्रिपल का कोडिंग का काम नहीं मेटल है 13 तो नीचे इधर जाने पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ट्रिपल घटती है, इलेक्ट्रिक पॉइंट ट्रिपल घटेगी तो बेसिक स्टेशन क्या होगी? घटेगी। तो बेसिक स्टेशन घटेगी तो एलिमिनेशन की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपको बताए थे है ना रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन, ये दो डिफरेंस है। टर्शियरी आर एक्स रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन। मीथेन के सिग्नल में से हां मीथेन के सिग्नल ना का मीथेन टू ना का तो मीथेन नहीं होगा और 3 तो ध्यान दो जैसा भी यहां पर अगर सोडियम और ट्राइएथर लिख देते और एल्कीन ऑप्शन में ना होता तो ऐसे इसको बना देते ठीक है जी सर दोनों ऑप्शन रहेगा तो एल्कीन बनाएंगे इटू दोनों ऑप्शन रहेगा क्या बनाएंगे एल्कीन। चलो बेटा तो ब्राइट लाइन में कुछ बताना विशेष और नहीं यहां पर इसके बाद एक है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड यहां पर Al4C3 तो ये बेच दो यहां पर एक दो कार्बाइड हैं जो एल्कीन बनाएंगे और यही दो मतलब केवल मीथेन बनेगा फिर बात समझ रहे हैं बाई पोल पे इलेक्ट्रोलिसिस बाई पोल पे इलेक्ट्रोलिसिस पोल पे इलेक्ट्रोलिसिस यहां पर फ्री रेडिकल में क्या नहीं होगा यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो पीएच
ग्रेटर देन सेवन है, यहाँ पर भी पीएच ग्रेटर देन सेवन है, लेकिन जो पहले रहा होगा उससे बढ़ जाएगा, जो पहले रहा होगा उससे क्या होगा बढ़ जाएगा। ये एल्केन आपको कहाँ पर मिलेगा, एनोड पर। क्या क्या मिलेगा, CO2 गैस और एल्केन मिलेगा। कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। कितने मोल लिए हो, दो, दो मोल से कितने मोल गैस मिली है, चार मोल, एक दो तीन और एक चार। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर उठा दें क्या yes. कोई भी लिखित क्वेश्चन। सोडियम सक्सीनेट, क्या बोल रहे, CO2, CO2। बाकी कहानी वही, वन मोल गिब्स, फोर मोल गैस, थ्री एट एमओ, वन एच, वन एट एफ ओ। वॉल्यूम पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान तो ऐसे पूछ सकते हैं, एनोड पर कितने मोल मिलेगी, कैथोड पर कितने मोल मिलेगी, टोटल कितने मिलेगी, चार। वॉल्यूम कितना होगा अगर इस पीपी पर किया गया हो, ठीक है, तो चार रुपए वाइज हो स्टार, ठीक है। यहाँ पर तो ध्यान दो, अगर डाई कार्बोक्सिलिक, ध्यान दो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो तो एल्कीन बन जाएगा, मोनो है तो एल्कीन, और डाई कार्बोक्सिलिक है लेकिन अनसैचुरेट है तो क्या बन जाएगा, एल्काइन, क्या बन जाएगा, एल्काइन। नोट करके हियर बाय प्रोडक्ट एल्कीन एंड एस्टर या पेंट, बाय प्रोडक्ट एल्कीन एंड एस्टर या पेंट, फाइंड मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट then three products.
obtained. When two different testings are taken, then three product is obtained. वैसे जैसे वो फेजर आपने लिखा था अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस है तो मैकेनिक तो फ्री रेडिकल की होगी तो चाहे तो लिख लीजिएगा मैकेनिक इज ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिक इज ऑफ फ्री रेडिकल हाँ सेवन इलेक्ट्रॉन है ठीक है रिएक्टिविटी
order of next two. More rate hence no selective. Less rate selectively order tertiary hydrogen, secondary hydrogen, primary hydrogen. Reactivity order of hydrogen, any way to write out tertiary, secondary, primary hydrogen. कारण क्या है? टर्शियरी हाइड्रोजन निकलेगा तो टर्शियरी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, सॉरी टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा, ना सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, तो टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? कंबशन ऑक्सीडेशन यहाँ पर ये अभी क्या करना है ये ध्यान रखिएगा ये अगले चैप्टर में हाइड्रोजनेशन यहाँ पर करके पढ़ा ना वहाँ पर प्रिपरेशन आप एल्किल हैलाइड है तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा लेकिन वहाँ पर फिर इसको फिर से नहीं पढ़ाएंगे यहाँ इसीलिए डिटेल में पूरा पढ़ा दे रहे हैं ठीक है। हाँ तो एक रिएक्शन कम से कम दो बार मिलेंगे दो चैप्टर में तो एक बार डिटेल में कर लेंगे दूसरी बार उसे नाम ले लेंगे बस ठीक है। फ्लोरिनेशन रिएक्शन ऑफ फ्लोरिन CH3 यहाँ पर आप ले रहे हो F2 यहाँ पर 150 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं CH3 CH2 F2 कहां पर अटैक करें भाई बहुत पावरफुल है जहां पर जाएगा वहां पर अटैक करेगा नो सेलेक्टिव। अच्छा और आगे यही नहीं जहां चाहेगा वहां पर अटैक करेगा ध्यान दो बेटा ये जो कार्बन चेन है इसको तोड़ भी देगा तो जब कार्बन चेन टूट जाएगी तो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनेंगे और छोटे छोटे प्रोडक्ट बनने से गैसियस प्रोडक्ट बनेगा तो गैसियस प्रोडक्ट बनने से प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सप्लोड कर सकता है मतलब जो फ्लोरिनेशन है वो एक्सप्लोसिव होता है ठीक है। आल्सो इट ब्रेक द कार्बन चेन सो गैसियस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन due to which pressure develops and explosion may occur
टू अवॉइड एक्सपोजर before reaction. F2 is treated with inert gas before reaction. To avoid explosion, F2 is treated with inert gas before reaction. तो अगर आप यहाँ पर N2 इनर्ट गैस तो नहीं है, लेकिन इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है। तो अगर आप N2 की प्रेजेंस में क्यों लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि ये फ्लोरीन की रिएक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर कम नहीं करेगा तो क्या होगा, ऊपर जो पानी लिखे हो उसका परिणाम ये होगा कि एक्सपोज कर जाएगा। तो क्यों लिया गया है एक्सपोजर को, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन। यहां पर ध्यान देना आपका ये I2, यहां पर सनलाइट ले रहे हैं, ये चीज मतलब सनलाइट ले लो या हाई टेम्परेचर बताया गया था, एक ही बात। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दो कंडीशन में होगा, या तो हाई टेम्परेचर हो या सनलाइट हो, सनलाइट किया गया है। ध्यान दो, ये दोनों प्राइमरी हैं, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी पेपर तो कहाँ पर अटैक करा दें, सेकेंडरी कहाँ पर भैया, सेकेंडरी पर। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर एक एक चला गया, वहाँ पर क्या हो गया, आई आ गया, और ये बन जाएगा एच आई, क्या बन जाएगा एच आई। अच्छा ये ध्यान दो, ये जो एच आई बन रहा है पावरफुल रेडिएशन एजेंट है, पावरफुल प्रोड्यूसर एजेंट। यहां पर टू मेक
द रिएक्शन रिवर्सिबल सॉरी रिवर्सिबल अच्छा रिवर्सिबल करने से फायदा क्या होगा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा गेट मोर प्रोडक्ट हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट Hybridization should carry out in presence of any oxidizing agent. तो अगर आपसे कह रहा है कि रिएक्शन ऑक्सीडाइज के प्रेजेंस में क्यों कराते हैं इधर क्या लगाएंगे तो आप कहेंगे रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए या प्रोडक्ट ज्यादा प्राप्त करने के लिए प्रोडक्ट ज्यादा प्राप्त वही लिखा है ब्रैकेट में टू गेट हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट टू गेट हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट सो दैट बोलना बेटा तो जैसे मान लो आपने HDO लिया है यहां पर 2HI लिया है HG तो देखो ये HDO ऑक्सीडाइज है HI को फिर से ऑक्सीडाइज कर दिया है क्यों मैं तो अब HI तो रहा नहीं तो जब HI रहा नहीं तो ये पीछे कैसे लौटेगा नहीं लौटेगा अच्छा ये HI बदल गया किसमें I2 में और I2 की जरूरत यहाँ पे है इस तरह से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया और प्रोडक्ट से ज्यादा बनने लगेगा अच्छा यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो कितने लोग लगता है कि कर लेंगे ऐसा दोनों रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे कहां पर टैक्ट करेंगे सी एच प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे और नीचे वाले में टर्शियरी कहां है टर्शियरी जहां पर सी एच थ्री जुड़ा है जहां पर सी एच थ्री जुड़ा है यहां पर टर्न अब ये प्राइमरी है ये टर्शियरी है बाकी सभी सेकेंडरी है तो यहां पर अब अगर आपने प्रॉपर्टी जान रखा है बात समझ रहे हैं तो फिर रिएक्शन आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस आपको ये ढूंढना है कि टर्शियरी है या नहीं है टर्शियरी नहीं है तो जैसे अगर सेकेंडरी था सेकेंडरी प्रोटेक्ट करा गया सेकेंडरी नहीं होगा तो प्राइमरी प्रोटेक्ट करा देंगे इधर फूटा था क्या ऊपर ब्रोमिनेशन रिएक्शन 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 दिया वही लेस रेट हैंस इलेक्टिव हैंस इलेक्टिव Less rated and selectivity order. यहाँ पर सेम वैसा ही है बस एक अंतर है क्रिएशन के रिवर्सिबल होगा इसलिए ज्यादा पूरा कर लेंगे जी सर फिर
हाँ बेटा मैं कहाँ पर आए थे? सी एच दो सी एच टू है तो यहां पर अगर एच कितना समझो यहां पे एच कितना तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है बेंजीन चल रहा है तो रेजोनेंस हो जाएगा तो कितने तीन और एक चार स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहां पे अगर ध्यान दो यहां से एच आए तो फ्री रेडिकल यहां पर जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो यहां पर तीन स्ट्रक्चर और इसके लिए दो पांच स्ट्रक्चर बनेंगे लेकिन रिजोनेंस से जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कम स्टेबल होता है लिखा है ठीक है। तो इसलिए आपको बताएं जहां पर इंटरमीडिएट ज्यादा ध्यान हमेशा ही लगाओ इंटरमीडिएट कहां ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो यहां पर तो वही कॉन्सेप्ट हर जगह पे आप देख रहे हो ठीक है। तो अच्छा बोला माता जी आप ना करने तो आपको बस एक सी एच टू मिले बैठे रहे तो दो आ जाते फंस जाते कहाँ ऐसा थोड़े चलते चलते भी यार आई बदल जाएगा क्लोरीनेशन देखना यहां पर दो पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट कि अगर आपने CL2 एक्सेस में ले रखा है क्या क्या है CL2 एक्सेस में ले रखा है इफ CL2 इज इन एक्सेस देन इट रिप्लेसेस ऑल हाइड्रोजन वन बाई वन दो CH4 है CH2 CH2 ये एक्सेस में है तो क्या हो जाएगा बेटा CH3Cl और जब तक सारे हाइड्रोजन निकल ना जाए तब तक आपको कोई मना करने वाला नहीं है तो मना भी कर दे तो मानना नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CCl4 का नाम क्या है पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है अग्निशमक अग्निशमक ये आग बुझाने के काम में आता है और ये क्लोरोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है निश्चेतक जिसको आप कह सकते हैं
एनेस्थेटिक होता है जिसको आप कह सकते हैं can be written by changing position of sale but number of product obtained is equal to number of yahan par equal to number of IOAC mein yahan par check comma kar lenge can be written by changing position of sale on the same basis आप ठीक है इन पोजीशन आप से इधर पूरा था क्या इतना ध्यान दीजिए इधर इधर यहां पर CL2 यहां पर 2 डिग्री से N प्रोपेन ध्यान से बेटा कितने प्रोडक्ट मिलेंगे दो ध्यान दो इसका वन क्लोरो प्रोपेन है देख समझ लो पहले वन क्लोरो प्रोपेन है अब इसे सीएल को यहां पर खिसका दो तो ये वन है वन क्लोरो प्रोपेन और बीच में खिसका दिए तो हो जाएगा टू क्लोरो प्रोपेन अब ध्यान ना बेटा इधर हम लोग इसको इधर से जहां खिसका दिया तो इधर से वन क्लोरो प्रोपेन हो गया तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे इसको नीचे खिसका दें क्या ये ध्यान ना ब्यूटेन है या ब्यूटेन यहां पर कितने मिलेंगे कौन बताएगा दो ये ध्यान दो जोड़ लो क्या हमें जोड़ना पड़ेगा ये जोड़ लोगे एक बार यहां पर जोड़ देना एच कम कर देना है दूसरे में यहां पर ये जोड़ देना बस तो दो प्रोडक्ट अगर समझ रहे हो तो ठीक है आगे बढ़ते रहना है उसको लिखे हम कितने प्रोडक्ट मिलेंगे का यहां पर आइसोब्यूटेन ये है एन ब्यूटेन ये भी तो दो प्रोडक्ट देगा देख समझो देखो ये सी एच है ना सी एच से तीन सी एच थ्री जुड़े हैं तो चाहे जिस सी एच थ्री पर जोड़ दो एक हो गया और दूसरा सी एच पर जोड़ दो बना लोगे ना बेटा यहां पर ये एन पेंटेन यहां पर दो प्रोडक्ट क्या बता रहे थे आपको दो दो प्रोडक्ट यहां पर एन पेंटेन तीन
3 3 ये आइस न्यू पेंट के कितने प्रोडक्ट 2 1 कितने भैया 1 ऐसे देखो समझो समझो ये सी है और इस सी से कितने सी इस्त्री जुड़े हैं 4 तो चारों सी इस्त्री एक ही जैसे तो हैं किसी एक पर जोड़ दो और सी पर वे चाहे नहीं कि यहाँ पर जुड़े तो किसी एक जगह पे जोड़ आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है कि C5H12 का कौन सा आइसोमर 3 प्रोडक्ट बनाएगा तो कौन बनाएगा एन पेंटेन कौन सा एक प्रोडक्ट बनाएगा न्यू पेंटेन और आइसो पेंटेन कितना बनाएगा ऊपर बता क्या आइसो कितना बनाएगा कितना 1 2 3 4 ध्यान बनाया भैया इसको हम बना के दे रहे हैं यहाँ पर ये डीएल बनाएगा एबीडीएल बनाएगा प्रोडक्ट 4 आइसोमर 6 आइसोमर कितने 6 बीएम ऑप्टिकली एक्टिव 4 कैसे देखो इधर पहले समझ लो फिर बनाइएगा ये कार्बन कार्बन है देखो इस कार्बन पे CH2CH जुड़ा CH जुड़ा CH3 जुड़ा CH2CH3 जुड़ा ऐसे में समझ में आ रहा है तो नीचे लगता है ऑप्शन में आएगा ठीक है तो एक ग्रुप दो ग्रुप तीन ग्रुप चार ग्रुप जुड़े हैं तो इसका मतलब ये आर मतलब क्या होगा डी होगा इसका मेरा इमेज क्या हो जाएगा ये तो क्या हो गया डीएल और ऐसे यहाँ पर भी कार्बन कार्बन है एक कार्बन कार्बन तो यहाँ पर भी डीएल तो दो और दो चार और अगर आइसोमर की देखेंगे तो ये दो मिला जाएगा दो ये दो चार ये पांच और ये छह आइसोमर बनाएंगे नेम वाले प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में केवल आइसोमर ऐसी नेम लिखेंगे तो चार लिखेंगे एक दो तीन चार ठीक है तो ये एक बार आईआईटी में पूछा भी गया था तो आज यही खत्म करते हैं आगे फिर कल रहेगा क्लास में जी सर कहाँ भी जाँच रहे हैं बेटा कल एक अब इसमें हम लोग बहुत इसमें लोग क्लास ले रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है।